गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई 13th लेक्चर फॉर सब्जेक्ट केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th. इन द लास्ट वीडियो क्लासेस इन 12th लेक्चर आई वॉज टॉट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. टुडे I am going to teach you the chemical property of metal. Metal के chemical property मतलब धातु के, metal means होता है धातु, धातु के रासायनिक गुण. The first chemical property of metal is metal have tendency to lose electron to form positive ion. Hence we can say that metals are electropositive. हम लोग जानते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी होती है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस इस वजह से मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. फर्स्ट, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. हेंस मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. जैसे सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लूजली अटैच होता है, वह इलेक्ट्रॉन को खो देना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए. उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अगर वो खो देगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इस तरह से सोडियम जो है स्टेबल हो जाएगा. तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो करके ये आपको पॉजिटिव आयन, पोटेशियम के प्लस. द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज एक्शन ऑफ एयर. The second property of metal is, all student will write down in your copy also for revision. Now I am going to write the second chemical property of metal. Action of air. Action of air. Most of the metal reacts with air to give corresponding metal oxide. Our most reactive metal, sodium and potassium, they are very reactive element. Whenever they come in open air, they react with oxygen
टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड। चूंकि एंड ऑल्सो कैचेस फायर, दैट इज द रीजन दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट स्टोरेड इन किरोसिन ऑयल। चूंकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं, इन्हें हमें हीट करने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये रूम टेम्परेचर पर ही, कमरे के तापमान पर ही अपने इग्निशन टेम्परेचर को एक्वायर कर लेते हैं और ऑक्साइड में बदल जाते हैं। सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है, पोटेशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके पोटेशियम ऑक्साइड कर दे बन जाता है, बट मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, अल्मुनियम नीड सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। लेकिन मैग्नीशियम, जिंक, अल्मुनियम, कॉपर को ऑक्साइड में बदलने के लिए हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, वे सामान्य एयर में उपस्थित ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक्शन ऑफ एयर सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, परंतु मैग्नीशियम हीट करना पड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर टू ऑक्साइड, एल्युमिनियम Al2O3, कॉपर टू ऑक्साइड, इसे कॉपर टू ऑक्साइड भी कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी हम लोग कहते हैं। इक रिप्रेजेंट्स हायर वैलेंसी एंड अस रिप्रेजेंट लोअर वैलेंसी। कॉपर चूंकि हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका वैलेंसी वन भी होता है, टू भी होता है, तो इस यहाँ पर जब कॉपर को हीट करते हैं तो इस केमिकल रिएक्शन में कॉपर का वैलेंसी दो है। तो आफ्टर फिनिशिंग द केमिकल रिएक्शन वी गेट कॉपर टू ऑक्साइड, या इसे हम कह सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, हीट करते हैं तो बन जाता है ये जिंक ऑक्साइड। जिंक व्हेन जिंक इज हीटेड, जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म। नाउ आई एम कमिंग ऑन अनदर टॉपिक, हियर सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग, हियर
दिस पार्ट इज द एक्शन ऑफ एयर, ए इज द फर्स्ट पार्ट, मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड. Second, some metal oxides are soluble in water to give alkali. Our sodium oxide dissolve in water to give sodium hydroxide. उसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. आवर मैग्नीशियम ऑक्साइड is partial soluble in water, it will also form magnesium hydroxide. हमारा magnesium oxide जो होता है वो water में partially soluble होता है. Due to this reason it magnesium oxide is not completely dissolved in water and form magnesium hydroxide also. Now here the third part is that our some metallic oxide are amphoteric. Our some metallic oxide in that chemical reaction we have found that some metallic oxide are amphoteric. What is amphoteric? Those metallic oxide which show the character of acidic as well as basic are said to be amphoteric. It means amphoteric oxide. वे metallic oxide जो acidic चरित्र को दिखाते हैं साथ साथ बेसिक चरित्र को भी दिखाते हैं, वैसे मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, ZnO, अल्मोनियम ऑक्साइड, Al2O3, दे आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड एंड अल्मोनियम ऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ amphoteric oxide. So the today I have discussed the two property of metal. Now my today 13th video class, in the second property we have discussed the three different property. Now today my video classes is going to finish. In the next video classes I will discuss about the remaining chemical property of non-metal. It means the third chemical property of metal, in which we will study about action of water on metal. Now thank you, धन्यवाद, bye bye.